तो काट ले अबे अपने से। यार बताओ क्यों तो होता है कली दिया मारा भाई वो? सही सही वैसे आपने नाव भी जाऊँ कर जाए। क्या लेना तो? कुछ वक्त लिया क्या बात है? બધા બચ્ચા આવી ગયા તો રેવા દે મંતન છે એ નથી એમ नजारे हैं नजर में
तेरी याद ही है बाबा।
सकीना को तेरी याद आती है बाबा। अरे बाबा जन तू
तुम भी मुझे बाबा जन तुम भी मुझे अब नहीं पहचानोगे ख्वाबों में लहू कानों से अब तक है रवा सब्र हर गम पे मगर कैसे किया मुझसे सुनो तेरा दो मील सफर मैंने किया मुझसे सुनो बाबा अपने गम तुम भी सुनाओ अपने गम मैं भी सुनाओ अपने गम तुम भी सुनाओ बाबा जान तुमको नहीं बाबा जान तुमको नहीं क्या मेरे जख्मों की खबर अब मुझे लोग बुलाते यतीमा कहकर बाबा जान आज तलब बाबा जान आज तलब मैं ये समझ पाई नहीं लोग मुझसे यही कहते हैं कि तू मांग दुआ अब किसी को न मिले अब किसी को भी यतीमी न मिले मेरी तरह अपने गम तुम भी सुनाओ अपने गम मैं भी सुनाओ बाबा जुन दिल पे जुना अपने गम तुम भी सुनाओ बाबा अपने गम मैं भी सुनाओ जब जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा को अपने बाबा का सर मिला तो किस तरह से फरियाद की है बाबा जन आपका सर बाबा जन आपका सर बाबा जान आपका सर जब मुझे जिंदा में मिला खुद को ना रोक सकी जब्त मेरा टूट गया बाबा जान दूर हुई बाबा जान दूर हुई अब मेरी सदमों की थकन आ गए अब बस चेहरे से आएगी कसम खत्म हुई मजहर फरहान मुका बस यही खत्म हुई मजहर फरहान मुका ले चलो साथ मुझे पापली सकीना ने कहा बाबा अपने गम तुम भी सुनाओ अपने गम मैं भी सुनाओ अपने गम तुम भी सुनाओ बाबा अपने गम मैं भी सुनाओ बाबा जी बलन नारे सलवात अलविदा अपने
मुझको बिना इस माह से मनसूब थी भैया
सबकी सब अल्लाह के लिए हैं। तो अब तलाश करना चाहिए, कायनात में कुछ ऐसे बंदे हैं जिनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए है, मौत भी अल्लाह के लिए। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले आप देखें, कभी ऐसा होता है कि मिंबर से अगर नमाज का जिक्र होता है, सोचता है इंसान कि शायद जो है अब हर लिहाज से हमारा ही नंबर है। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, करना वही तस्किरा है लेकिन दूसरे अंदाज से करना। तवज्जो फरमाइएगा कि कुछ ऐसे बंदे हैं जिसकी नमाजें भी, इबादतें भी, उसकी जिंदगी भी, मौत भी अल्लाह के लिए। तो वो कौन बंदे हैं, वो कौन बंदे हैं कि जिनका तस्करा नमाज में भी है। नमाज इबादत अल्लाह की है, तवज्जो फरमाइएगा। नमाज जो रुकन दीन है, सुतून ईमान है, राबिदा माबूद है, बहुत अहम शय है, इसे तर्क नहीं करना चाहिए, इसे तर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनका जिक्र नमाज में भी आता है। तवज्जो फरमाइएगा, हम अपनी बात नहीं करते हैं, अपनी बात नहीं करते हैं, हमसे बेहतर गवाही इमाम शाफई की है। वो कहते हैं कि अगर नमाज के अंदर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद ना हो तो नमाज नमाज नहीं, नमाज नमाज नहीं। तो अब नमाज के लिए क्या हुक्म है? इन रुद्द रुद्द मासिवा, इन कुबिलत कुबिला मासिवा, जिसकी नमाज कबूल हो गई उसके सारे आमाल कबूल हो गए, जिसकी नमाज रद्द हो गई उसकी सारे आमाल रद्द हो गए। यानी सारे आमाल की बुनियाद कबूलियत है नमाज, और नमाज की बुनियाद कबूलियत है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद। तो अब वही देखना है कि वो बंदे कौन हैं जो नमाज में हैं। नमाज तो सब पढ़ते हैं, कुर्बतन लिल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए रोजा रखते हैं, कुर्बतन लिल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए। लेकिन कितने भी करीब हो जाएंगे मुसले आजम से ज्यादा तो नहीं हो सकते। उदनु मिन्नी, और करीब आ जा, और करीब आ जा। तवज्जो फरमाइएगा, ये नमाज, आप देखें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो फिका की किताबों तक महदूद हो गई। एक चीज है हमारे यहां तकबीराते इफ्तिताहिया, तकबीरतुल अहराम से पहले 7 तकबीरें मुस्तहब हैं। आप किसी भी फिका की किताबों को उठा के पढ़ें तो उसमें आपको मिलेगा। ये क्या है? ये भी यादगार सैयदुश्शुहदा है। जब आप इसकी तफसीर को देखें तब आपको मालूम होगा। रवायत में मिलता है नमाज में अहले बैत, ये जुमला याद रखिएगा, ये नमाज खाली नमाज नहीं है, इसमें भी अहले बैत की यादगारें पोशीदा हैं, पोशीदा हैं। रवायत में मिलता है कि सरकार सैयदुश्शुहदा सिन के एतबार से, इल्म के एतबार से नहीं, मार्फत के एतबार से नहीं, सिन के एतबार से इतने कम सिन थे कि उस कम सिनी में बच्चा कलाम नहीं करता, कलाम नहीं करता है। इनका घर कहां था? का घर ऐसी जगह पे था कि दरवाजा ही मस्जिद में खुलता था। पैगंबर नमाज के लिए खड़े हुए, बहुत तवज्जो फरमाइएगा, पैगंबर इस्लाम नमाज के लिए खड़े हुए, अल्लाहु अकबर कहा न बोलने की उम्र में, पैगंबर की तासी में सरकार सैयदुश्शुहदा ने अल्लाहु अकबर कहा। यह अंदाज इतना अच्छा लगा कि पैगंबर ने फिर कहा,
हुसैन ने फिर दोहराया, पैगंबर ने फिर कहा, सरकार सैयदुश्शोहदा ने फिर कहा, यहाँ तक के पैगंबर ने 7 तकबीरें कही। इसे तकबीराते इफ्तिताहिया कहते हैं, जिसे मुस्तहक करार दिया। तो मालूम ये हुआ कि इसके अंदर भी कुछ ज़बात हैं कि इबादत तो हम अल्लाह के लिए करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ मोहब्बतें पोशीदा हैं। जैसे हम मजलिस हुसैन का करते हैं, लेकिन तज़किरा कभी अल्लाह का होता है, कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह का होता है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। तो मालूम ये हुआ कि कुछ ऐसे बंदे हैं जिनका जिक्र नमाज में भी आता है, न इनके जिक्र से कुफ्र होता है, न शिर्क होता है, न नमाज टूटती है। तवज्जो फरमाइएगा, न नमाज टूटती है। तो बताइए, हम उन्हीं का तो जिक्र कर रहे हैं, चाहे मिंबर से कर लें, चाहे मेहराब से कर लें, ये इबादत है, कोई और शय नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, अब इसी में और आगे बढ़े। अभी नमाज का हुक्म नहीं आया है, ये भी तवज्जो रहे, नमाज का हुक्म नहीं आया है। ये कहां का मामला है? मक्का मुअज्जमा का है। नमाज कहां वाजिब हुई? मदीने मुनव्वरा में। जितने अहकामात वाजिब हैं, ये 99% सब मदीने में आए हैं। मक्के की जिंदगी अकायद की जिंदगी है, लेकिन इस अकायद की जिंदगी में भी एक दिन वो आता है कि सूरज ढला, एक जवान आन के खड़ा हुआ, उसके पीछे एक नौजवान आके खड़ा हुआ, उसके पीछे एक सर से पैर तक चादर में लिपटी हुई बीवी आके खड़ी हुई। कुछ लोग सरकारे अबू तालिब के पास आए, वो मक्के के बाहर के हैं, बाहर से आए हुए हैं। एक मतला कहते हैं, ये कौन हैं और क्या कर रहे हैं? कौन हैं और क्या कर रहे हैं? कहा, वो नौजवान, जो जवान जो है वो मेरा भतीजा है। वो नौजवान जो उसके पीछे है वो मेरा बेटा है। सब जगह मेरा, तवज्जो फरमाइएगा, मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है, और उसके पीछे जो सर से पैर तक चादर में लिपटी हुई खातून है, वो मेरे भतीजे की बीवी है, मलेकतुल अरब। वो अपने तरीके पे इबादत कर रहा है, ये लोग इसके साथ इबादत में शरीक हैं। तो अब कुछ लोग कहते हैं, अगर सरकारे अबू तालिब भी मोमिन होते तो क्या नमाज में शरीक ना होते? अब आप देखें, अभी हुक्म नमाज भी नहीं आया, नमाज वाजिब भी नहीं हुई है, और नमाज जमात है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब कल से जब नमाज जमात हो रही हो, जो लोग बाहर टहल रहे हो उन्हें काफिर कहना शुरू कर दीजिए। ये अच्छी दलील है, जो जमात में शरीक ना हो वो काफिर। कहा, भाई फिर क्यों नहीं शरीक हुए? कहा, देखो वो अपने तरीके पे इबादत कर रहे थे और ये शेर की तरह बैठे हिफाजत कर रहे थे, कहीं कोई दुश्मन इस्लाम हमला ना कर दे। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौलाए मुत्तकियान का एक खिताब है, अल मुसल्ली मान नबी इला क़िबलतैन। नबी के साथ दो क़िबलों की तरफ नमाज पढ़ने वाला, दो क़िबलों की तरफ। पहले नमाज होती थी बैतुल मुकद्दस की तरफ, जब क़िबला बदला खाने काबा की तरफ, दोनों की सिमत बिल्कुल अपोजिट, वो मशरिक ये मगरिब। तवज्जो फरमाइएगा, हुक्म परवरदिगार आया, सूरह बकरा उठा के देखें,
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تزا. اے رسول ہم نے بار بار آپ کے چہرے کو دیکھا آپ کے چہرے کو دیکھا ہم نے آپ کی مرضی کے مطابق قبلے کو بدل دیا. پیغمبر اسلام نماز میں تھے اور نماز میں بھی حالت رکوع میں تھے. میں کہوں گا اے پروردگار دو منٹ پہلے آرڈر بھیج دیتا اور اگر ڈیلے ہو گیا تھا تو دو منٹ اور صحیح. یہ بیچ نماز میں جناب یحییٰ کو جناب زکریا کی بشارت دینے کے لیے قرآن کہتا ہے تو وہ محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. وہ قائم یصلی فی المحراب وہ کھڑے ہوئے محراب میں عبادت کر رہے تھے تو وہاں بھی نبی کو بشارت دینے کے لیے پروردگار نے حکم دیا تو نماز میں یہاں بھی نماز میں. تو اے پروردگار اگر معاملہ تھوڑا سا پہلے بھیج دیتا اور اگر معاملہ دیر ہو گیا تھا تھوڑا سا اور رک جاتے نماز میں تو یہ حکم نہ بھیجتے تو شاید آواز قدرت آئے کہ شاید کسی کو اعتراض ہو کہ علی نے صدائے ملک کیسے سن لی. ہائے 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 علی نے صدائے ملک کیسے سن لی تو اللہ ریکارڈ بنا رہا تھا جیسے محمد مصطفیٰ نے سنی جیسے زکریا نے سنی ویسے ہی علی نے بھی سنی. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. اب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی تھوڑا سا اگر غور کریں پیغمبر اسلام وہاں کھڑے ہیں اس لیے کہ امام آگے کھڑا ہوتا ہے. قبلہ کدھر تھا؟ بیت المقدس کی طرف تھا. کہاں تھا؟ بیت المقدس کی طرف پورب تھا. پیغمبر ادھر کھڑے تھے علی ادھر کھڑے ہیں صفحہ یہاں لگی ہوئی ہیں بالکل الٹی. آج کے اعتبار سے اب بتائیے جب حکم قبلہ آیا مولا رکوع میں تھے پیغمبر رکوع میں تھے ادھر سے پیغمبر مڑے ادھر صرف اور صرف علی مڑے پوری جماعت کی صفحے ادھر ہی منہ کیے رہے ہیں. تو اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں تیسری نہیں. علی کیوں مڑے جماعت کی صفحے کیوں نہیں مڑی؟ لوگوں کو یہ ہوا کہ شاید رسول کو سہو ہو گیا نسیان ہو گیا ہے اس لیے مڑ گئے. اور علی کیوں مڑے تو دو باتیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ علی کو اتباع رسول میں کوئی شک نہ تھا اس لیے مڑ گئے یا دونوں ایک نور کے دو ٹکڑے تھے جو محمد سن رہے تھے وہ علی سن رہے تھے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. اہل بیت کی یادگار آپ کو لگتا ہے خالی قربتن اللہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے اس میں تو پتہ نہیں کتنی یادگاریں ایسی ہیں جو اہل بیت سے منصور ہیں. آپ دیکھیں ایک جانب اور متوجہ کروں اس میں سے کون ایسا ہے کہ جو نماز جمعہ نہیں پڑھتا ہے کوئی بتائے؟ سب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اذان کے بعد کیا ہوتا ہے نماز جمعہ؟ خطبہ ہوتا ہے. خطیب کھڑا ہوا ابھی کل بھی ہوگا کل ہی ہے نا جمعہ. کیا ہوتا ہے؟ خطیب کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے خطبہ دیتا ہے. خطبہ دینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خطبہ دیتے دیتے ایک منزل آتی ہے کہ اس کو اکمال کی منزل پہ پہنچا کے بیٹھ جاتا ہے. پھر تھوڑے سے توقف کے بعد پھر کھڑا ہوتا ہے خطبہ دیتا ہے تمام کرتا ہے نماز پڑھتا ہے. کہ اس سے زیادہ کچھ ہے؟ نہیں ہے. لیکن یہ سلسلہ آیا کہاں سے؟
नमाज में अहले बैत की यादगार। पैगंबर इस्लाम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे, वही घर जो मस्जिद नबवी में खुलता था। देखें आपके दिल के अंदर कितनी मोहब्बत है, मोहब्बत का सौदा है। एक मतलब पर्दा हिला, एक सब्ज लिबास पहने हुए बच्चा निकला, मस्जिद नबवी में चंद कदम चला, पैर लड़खड़ाया। पैगंबर खुतबा दे रहे थे, खुतबा देते देते बैठ गए, बैठ गए। ये कौन था? हसन मुश्तबा थे। अभी थोड़ी देर हुई थी कि फिर पर्दा हटा, एक सुर्ख लिबास पहने हुए बच्चा निकला, चंद कदम आगे बढ़ा, पैरों में लफ्जिश आई, पैगंबर मिंबर से उतरे। उतरने के बाद सहाबा का मजमा है, चाहने वालों का मजमा है, मोहब्बत करने वालों का मजमा है, जान का इनसार करने वालों का मजमा है। पैगंबर सफों को चीरते हुए एक मर्तबा जवाना ने जन्नत के सरदार तक पहुंचे, एक मर्तबा बच्चों को आगोश में उठाया, उठाने के बाद एक को दाहिने जानू पे बिठाला, एक को बाएं जानू पे बिठाला। कभी पैगंबर दाहिने देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं। अजीजों उसके बाद पैगंबर ने बच्चों को उतारा, मिंबर पे आए, मिंबर पे आए अजीजों, फिर खुतबा शुरू किया, फिर खुतबा शुरू किया, खुतबे को तमाम किया, नमाज को तमाम किया। आप आज जाके किसी मौलवी से पूछिए कि ये बताइए, जब नमाज तमाम करे जाके बताइए, सरकार क्या आपसे सहो हो गया था? नहीं नहीं, क्या हुआ? कहा आप खुतबा देते देते बैठ गए थे। कहा अरे तुझे नहीं पता। मौलवी पलट के कहेगा तुझे नहीं पता, पैगंबर की सुन्नत है। अरे पैगंबर की सुन्नत तो है, लेकिन ये भी बता दे ये सुन्नत किस वजह से आई, तो अब वही बताएगा जिसकी रगों में, जिसकी रगों में अली का खून होगा या मोहब्बत अली होगी। एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नमाज में अहले बैत की यादगार। और दिखाऊं, पैगंबर इस्लाम नमाज पढ़ रहे हैं, जमात की नमाज हो रही है, सरकार सैयदुल शुहदा मस्जिद में दाखिल हुए। बचपन है, कमसिनी का आलम है, लेकिन अंदाज देखें। एक मतलब पैगंबर है इस्लाम मुसल्ले पे थे, नमाज में थे, सजदे में थे, सफ़े लगी हुई थी, हुसैन सफों को चीरते हुए मुसल्ले तक पहुंचे। भाई यूं समझो कि जैसे शबे में राज रसूल चले आज पे रुके नहीं, उसी तरीके से हुसैन सफों को चीरते हुए मुसल्ले तक पहुंचे। जैसे रसूल आज पे रुके नहीं, वैसे मुसल्ले पर हुसैन फर्श पे रुके नहीं। नाना सजदे में था, नवासा पुश्ते रसालत पे आया, पुश्ते रसालत पे आया। ये पैगंबर सजदे में है, बिल्कुल जैसे आप मेरी तरफ मुंह करके बैठे हैं। क्या मैं नमाज में इसी तरीके से होता हूँ, आपकी तरफ मुंह करता हूँ? नहीं ना, मेरा मुंह उस तरफ होता है ना, पुश्त पे हुसैन आके बैठे, लेकिन जैसे मैं बैठा हूँ इस तरीके से बैठे, सफों की तरफ रुक करके बैठे। तवज्जो फरमाइएगा, अब आप देखें क्या हुआ। पैगंबर इस्लाम कह रहे सुबहान रब्बी अलाला व बिहम्दे, सुबहान रब्बी अलाला व बिहम्दे, सुबहान रब्बी अलाला व बिहम्दे। कहा भाई तीन मर्तबा, और अगर किताबों को खगालो तो सात मर्तबा, लेकिन सात मर्तबा के बाद क्या हुआ होगा? अरे मौलवी अगर सलवात का इजाफा करता है, कोई मुस्तहब दुआएं पढ़ता है,
तो 100 में से 20 का सर उठ जाता, उठ जाता। यहां क्या हुआ होगा, तवज्जो फरमाइएगा, मोहब्बत हुसैन को देखें, मोहब्बत हुसैन को देखें। कसम खुदा की मस्जिद में मंजर काबिले दीद था। उधर से जिब्राइल अमीन चले, जिब्राइल अमीन चले। हम समझे कि शायद जिब्राइल आएंगे, प्यार करेंगे, मोहब्बत का इजहार करेंगे, कहेंगे ऐ हुसैन जब नाना सजदे में होया करें तो पुश पे ना आया कीजिए। लेकिन हमारी हैरत की इंतहा ना रही, जिब्राइल ने हुसैन से कुछ कहा ही नहीं, पैगंबर से कहा सजदे से सर ना उठाइएगा जब तक हुसैन ना उतर आए। उस वक्त तक सर न उठाइएगा जब तक हुसैन पुश से उतर ना आए। अब क्या हुआ, पैगंबर मशीयत के ताबे, पैगंबर इसलिए कहता हूं कि उस वक्त के मंजर को अगर देखें तो हकीकत में काबिले दीद था। जमात की सफ़ें रसूल की ताबे, रसूल मशीयत की ताबे, मशीयत हुसैन की मुंतजी, हुसैन की मुंतजी कि अब हुसैन उतरे। अब जब फजीलतें, फजीलतें वही है कि जब मामला कुछ गड़बड़ होता है तो फजीलतें जो है हलक से नहीं उतरती हैं, मुश्किलें आने लगती हैं। लेकिन ये तो मजमा मुश्किल कुशा के मानने वालों का है, मानने वालों का है। अब लोगों ने कहा अरे भाई इसमें क्या ताज्जुब की बात, हुसैन बच्चे थे, खेलते हुए आए बैठ गए, खेलते हुए आए बैठ गए। उन्होंने समझा कि मैंने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया, ऐसी दलील दे दी है कि शायद इसका रद्द ना हो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है, लेकिन मेरे जुमले पे गौर कर लो कि हुसैन बच्चे थे। मैं भी ये कहता हूँ हुसैन बुढ़े नहीं थे, बच्चे थे, लेकिन जिसका बचपना रसूल से तस्बीह 70 करवा ले उसकी जवानी का क्या आलम होगा। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, याद रखिएगा। जीजा निगरान बचपना भी अजीब शय का नाम, बचपने जैसी जिंदगी में लोग जवानी पे नाज करते हैं लेकिन हकीकत में बचपना जो है उसका कोई जवाब नहीं। कमाल की जिंदगी बचपना होती है, और बचपना जहां काबिले दीद आखिरत में है वहीं दुनिया में भी है, दुनिया में भी है। हर कौम कबीले का बच्चे से मोहब्बत करता है, हत्ता के जो जालिम हुकूमत होती है वहां भी बचपन में रियायत मिलती है। अब जो लोग कहते हैं कि हुसैन बच्चे थे, खेलते हुए आए बैठ गए, आप जाइए जहां झूठी भी एफआईआर लिखी जाती है वहां आप जाके कहिए कि मुझे एक एफआईआर लिखाना है, काहे की एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आग लगा दी, लाखों का सामान जल गया। कहा बताइए, आपने कहा फलाना, कहा उम्र, कहा 2 साल। एक मरतबा वो आपको देखने लगेगा, जिसकी यहां अदालत है तो सब कुछ लेकिन अमल में कुछ भी नहीं है, वो कहेगा जाइए
अपनी चीज को संभाल के रखना चाहिए था। इतने छोटे बच्चे के लिए कोई कानून नहीं है। कहा आप क्या करें, इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब उस मुफ्ती साहब के पास पहुंचे जो कदम कदम पे फतवा दिया करते हैं, ये न करना, ये न करना, ये न करना। वहां पहुंचे, कहा क्या बात है। कहा सरकार, हुकूमत ने तो कुछ किया नहीं, वहां से तो कुछ हमारा मामला हल नहीं हुआ। कम से कम इसके लिए जहन्नम का फतवा ही दे दीजिए, इतना बड़ा नुकसान हो गया। कहा क्या नाम है, कहा फला। उसके बाप का, कहा फला। कहा कितना है, कहा यही 2-2.5 साल का। एक मरतबा वो मुफ्ती साहब भी जो हर सेकेंड फतवा दिया करते थे, उन्होंने भी कहा इतने छोटे बच्चे के लिए शरीयत में कोई हद नहीं है, कोई कानून नहीं है। आपको खुद अपनी चीज संभाल के रखना चाहिए थी। अब जो लोग कहते हैं हुसैन बच्चे थे, खेलते हुए आए बैठ गए, तो अब हुसैन के ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जिम्मेदारी बड़ों की थी। वो रसूल कैसा था जिसने सज्दे को तूल दिया, वो सहाबा कैसे थे जो उनका इत्तबा करते रहे, वो अल्लाह कैसा था जो बच्चे के खेल में जिब्राइल को भेजता रहा। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गिरामी ये भी एक नमाज है। नमाज में अहले बैत की यादगार, और इसीलिए ये यादगार है कि इन्होंने कभी नमाज को नहीं छोड़ा। ये ऐसे ही नहीं नमाज में आ गए, इन्होंने नमाज के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। तीरों की बरसात में आज आप देखें अबू समामा सैदाबी का नाम आता है तो क्यों आता है, मौला अव्वले वक्त नमाज। सईद और ज़ुहैर को देखो, करबला के मैदान में दो शहीद ऐसे हैं जिन्होंने नमाज जमात की हिफाजत में कुर्बानी दी। ये नमाज जमात कोई मामूली नहीं है। सईद और ज़ुहैर की अजमतों को सलाम करो अजीजों। आप यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि मेहंदी का प्रोग्राम, आप एक बेवा को कोसा देने के लिए आए। अजीजों बच्चे की परवरिश तो हर कोई करता, हर बाप बहुत अच्छे तरीके से करता, हर माँ बहुत अच्छे तरीके से करती है, लेकिन अजीजों बच्चे की परवरिश जैसे बेवा करती है, बड़े अरमानों से एक एक दिन बच्चे की परवरिश करती है और देखती जाती है, देखती जाती है अजीजों, इसलिए कि शौहर के मरने के बाद उसकी जिंदगी उजड़ जाती है। बस उसकी यही ख्वाहिश होती है कि जल्द से जल्द मेरा बच्चा जवान हो जाए, मैं इसकी शादी कर दूं। लेकिन हाय रे उम्मे फरवा, तुम्हारी जिंदगी में बहार आने से पहले बहार लुट गई। अजीजों ये मोहम्मद मुस्तफा का भी वादा है, शहजादी फातिमा ज़हरा का भी वादा है कि जो भी मेरे हुसैन पर रोएगा मैं उसे बख्शवाऊंगी। ये हमारा और आपका कोई ख्वाहिश नहीं है, हमने कोई डिमांड नहीं की है, ये अहले बैत का वादा है। अदादारो अदादारो वो कासिम, वो कासिम जिसको बेवा एक एक दिन गिन के जवान कर रही थी कि मैं अपने बेटे के सर पे सेहरा रचाऊंगी, सेहरा सजाऊंगी, बड़े अरमान से इसकी शादी करूंगी, इसकी दुल्हन को लाऊंगी। अदादारो उसका बच्चा जब जवान होने लगा धीरे धीरे, अदादारो तो वो भी वक्त आ गया कि करबला के मैदान में उस बेवा को भी कुर्बानी देना पड़ी। अदादारो अदादारो
जनाब उम्मे फरवा करीब आती है, कहती है कासिम सब लाशें आ रही हैं, आनो मोहम्मद के लाशें आ गए और तुम अभी जिंदा हो। अदा अदारो जनाब कासिम कहते हैं चचा इजाजत नहीं देते हैं, खैमे के गोशे में बैठ जाते हैं। याद आता है कि मेरे बाबा जब बिस्तर बीमारी पे थे, जिगर के टुकड़े तश में गिर रहे थे, इसी असना में मुझे भी बुलाया था। बुलाने के बाद बाजू पे एक तावीज बांधा था, एक जुमला कहा था कि जब जिंदगी में हद से ज्यादा परेशान होना, तो इस तावीज को खोल के पढ़ लेना, एक जुमला सुन लो। 13 बरस की जिंदगी में, 13 बरस की जिंदगी में कासिम को फरवा ने ऐसे परवरिश की कि तावीज खोलने की जरूरत ना हुई। ये करबला के मैदान में ऐसी मुसीबत आई कि तावीज को खोलना पड़ा। अब जो तावीज को खोला, बाप की तहरीर को पढ़ा, तो एक मतवा खुशी खुशी भाई के खिदमत में आए। अदा दारो सरकार सैयद शुहदा ने तावीज को लिख देखा, एक मतवा भाई की तहरीर को देखा। अरे मुद्दतों के बाद जब भाई ने भाई की तहरीर को देखा, भैया का जमाना याद आ गया, शहादत याद आ गई, जनाजे पर तीर की बारिश याद आ गई, भतीजे के गले में बाहें डाली, इतनी तेज गिरिया करना शुरू किया। अदादारो मकातिल बताते हैं कि खश खा के गिर गए। अदादारो अब जो खश्य फाका हुआ, तो एक मातवा कासिम के बाजू को पकड़ा, खैमे में लाए, कहा बा कासिम को तैयार कर दो। अदादारो माँ ने तैयार किया, कहाँ जाने के लिए, मक्तल में जाने के लिए तैयार किया। हमारा लाखों सलाम उम्मे फरवा पर जितने इतनी तमन्नाओं से बच्चे को पाला, आज मक्तल में भेज रही है, आज कत्लगाह भेज रही है, अपने बच्चे की शहादत को लिए भेज रही है। अदादारो कासिम तैयार हुए, एक मर्तबा करीब आए, चचा ने देखा, किस नजर से देखा, किस हसरत से देखा, किस मोहब्बत से देखा। अल्लामा बाकरुल उलमा कहते हैं एक मर्तबा हुसैन ने अमामे के अगले हिस्से को 2 टुकड़े किया, गरेबान को चाक किया। अदादारो बर्दाश्त कर सकेंगे। कहा मौला आपने ऐसा क्यों किया? कहा तुम नहीं जानते, अरब का कायदा है जब कोई यतीम होता है तो मैदान में इसी एतबार से आता है। मौला आप इसे क्यों यतीम बताना चाहते हैं, मैं यतीम क्यों बताना चाहते हैं? कहा तुम्हें नहीं मालूम, ये जालिम लाशों को पामाल कर देते हैं, लाशों के साथ बेहुर्मती करते हैं। मैं इसे इस अंदाज से इसलिए भेज रहा हूँ कि ताकि मुखालिफ का लश्कर जान जाए, अरे जो आ रहा है वो यतीम आ रहा है, ताकि इसके साथ वो सलूक ना करे जो करने की आदत बन गई है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। आज़ादारो एक मर्तबा चलते चलते चचा और भतीजे कदमों को मिला के चल रहे थे, अभी रहवार पे सवार नहीं हुए थे। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं अल मौत कैफा इंदी, ए बेटा तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है? आप जानते हैं, ये मोहतरम मजमा जानता है कि शहजादे ने क्या जवाब दिया। एक जुमला कहा, अहला मिनल असाल, बाबा शहद से ज्यादा शीरी। मैं आपसे पूछूं अदादारो कि अगर आपको शदीद प्यास लगी हो, प्यास से आप परेशान हो, जबान बाहर आ रही हो, जबान पे कांटे पड़े हो, आप किसी के दरवाजे पे पहुंचिए, आप कहिए पानी पानी, उस आलम में वो कहे कि मैं खाना लाता हूँ, नाश्ता लाता हूँ, मैं शरबत बना के लाता हूँ, वो कहेगा इन सब की जरूरत नहीं है, चंद कतरे पानी के ले आओ। ऐ शहजादे कासिम, 3 दिन की भूखों प्यास में सवाल हो रहा है कि मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है। शायद जवाब यह होना चाहिए था कि ठंडे
जाना गवारा। जदाकुम रब्बुकुम खैरल जदा, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय हमें मजदूम करबला के। अजादारो शहजादा निकला हमला करता जाता है, अजादारो अजादारो कासिम ने ऐसा हमला किया कि जालिमों की सात सफ़े टूट चुकी थी। शहजादे कासिम सात दस्तों को सात सफ़ों को तोड़ के आगे बढ़ चुके थे। अजादारो किसी ने मतरूफ़रेब से हमला किया, शहजादे कासिम जमीन पर आए, शहजादे कासिम जमीन पे आए। हर शहीद आवाज देता था आका मदद करिए, बाबा मदद करिए, चचा मदद करिए, लेकिन शहजादे ने क्या कहा, या उम्मा हो अदरिकनी, या उम्मा हो अदरिकनी, या उम्मा हो अदरिकनी। अदादारो इस जुमले को सुनना था। एक मतवा हुसैन बहुत तेजी के साथ चले, बहुत तेजी के साथ चले, लेकिन जब मक्तल में आए तो लाशे कासिम नजर ना आया, लाशे कासिम नजर ना आया। अदादारो अदादारो ये आंसू मरहम है ना, तो उम्मे फरवा को ऐसे ऐसे पुरसा दो जैसे एक बेवा को पुरसा दिया जाता है। अदादारो हुसैन मक्तल में आए, जब लाशे कासिम नजर ना आई तो आवाज दिया है, बेटा कासिम किधर हो। अदादारो कोई आवाज ना आई, दूसरी आवाज दी, तीसरी आवाज पे एक तरफ से आवाज आई, एक तरफ से आवाज आई, अदादारो हुसैन चले, हुसैन चले। एक मतवा हुसैन ने रुखसारों पे रुखसारे को रख दिया, एक फितरा कहा। अदादारो सुनिएगा तो रोने के लिए काफी, एक जुमला कहा। रुखसारों पे रुखसारे रखने के बाद हुसैन कहते हैं, अरे बेटा कासिम तेरे चचा पर शाख है, तेरे चचा पर शाख है कि तूने पुकारता रहा, तेरी मदद न कर सका, तेरी नुसरत न कर सका, तेरी मदद न कर सका। अब इसके बाद हुसैन ने एक मरतबा लाश कासिम को हौल से देखा तो क्या देखा, कहीं पे तलवारों के निशान, कहीं पे तीर के निशान, कहीं पे नैजों के निशान। अब जो हुसैन ने गौर से देखा तो क्या देखा, अरे हुसैन ने क्या देखा, कासिम के जिस पर घोड़ों की दांतों के निशान। हुसैन चीखे मार के रोए, एक मरतबा लाश कासिम को उठाया लेके खैमे में पहुंचे, सकीना निकल आई, अरे जा बाबा कासिम को पानी पिला लाए, कालो कासिम, अरे बीबिया निकल आई, उम्मे फरवा करीब आए, रुखसारों पे रुखसारों को रखा, बीबियों ने दिलासा देना शुरू किया, वाह कासिमा वाह मोहम्मदा वालिया मातम हुसैन। Yeah.
किस मुंह से वतन जाएगी
मातर का तेरी मंदिर जवालाल तो दिन फिरते हैं माँ के, तुम दोनों ने खाए हैं मगर जख्म सीना के, माँ फिरती है अब ठोकरे, माँ फिरती है अब ठोकरे, खाती हुई दर दर कासिम तेरी महंगी अकबर। बीमार बहन आस लगाए है वतन में, परदेश में दो चांद मगर आए गहन में, सुगरा को खबर कौन, सुगरा को खबर कौन, मगर देगा ये जाकर कासिम तेरी मेहंदी तेरा सहरा ले अकबर, कासिम तेरी मेहंदी तेरा सहरा ले अकबर। सहरा मुझे लिखना था मगर लिखता हूँ नोहा, रेहान अजब हाल हुआ मेरे कलम का, जब मैंने लिखा कत्ल, जब मैंने लिखा कत्ल, हुए कासिम अकबर, कासिम तेरी मेहंदी तेरा सहरा अली अकबर, कासिम तेरी मेहंदी तेरा सहरा अली अकबर। मोहम्मद वाले मोहम्मद सरवत।